अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड सेफ एट योर होम. माई सेल्फ सारा अली. स्टूडेंट्स, द एजुकेटर हैज़ प्लान्ड सम हैंड राइटिंग वीडियोज़ फॉर यू इन विच यू विल बी टॉट टू रीड एंड राइट इंग्लिश. सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने अपने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हम नेल्सन स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं. नेल्सन स्क्रिप्ट में क्या होता है, बेसिकली उसमें ओवल शेप होती है, उसमें राउंड शेप नहीं होती. फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारा ए राउंड में लिखते हैं, तो हमारी ये राउंड शेप नहीं है. अकॉर्डिंग टू नेल्सन पैटर्न हम इसकी ओवल शेप बनाएंगे. सो हेयर इज़ आर बिग अल्फाबेट्स एंड स्मॉल अल्फाबेट्स. इसके साथ साथ स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो हमारी ऑनलाइन हैंड राइटिंग क्लासेस का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की राइटिंग को खूबसूरत बनाएं. जो बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें आप हमारा अगर साथ देंगे तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. स्टूडेंट, ये क्लासेस, ये हैंड राइटिंग क्लासेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हैं, ये हमारे बड़े बच्चों के लिए भी हैं जो वन लाइन पे लिखते हैं. मैं उनके लिए भी गाइडलाइन दूंगी कि वो वन लाइन पे किस तरह से राइट कर सकते हैं. बेसिकली उनको लिखना तो आता होता है, हमारा मकसद है कि उनकी राइटिंग में उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए, उनको लिखना आ जाए, उनकी राइटिंग में निखार आ जाए. स्टूडेंट, ये हमारा प्रीवियस वर्क था जिसमें हमने बिग और स्मॉल अल्फाबेट दोनों राइट किए थे एज तक. होप सो आप लोगों ने अपना ये वर्क कंप्लीट किया होगा, रजिस्टर पर, नोटबुक पर, जहाँ भी आपका दिल चाहे, लेकिन बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन के साथ. और आपका ये वर्क चेक भी किया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड से. हमारा नेक्स्ट लेटर है आई. वन स्टैंडिंग लाइन आई, और इसकी स्मॉल फॉर्मेशन, इसका स्मॉल लेटर है, दरमियान वाली क्रॉस लाइन पे वन स्टैंडिंग लाइन और मेक अ स्मॉल टेल एंड वन डॉट. स्टूडेंट, ये हमारा क्या है आई. स्टूडेंट्स, आई के बाद हमारा लेटर है जे. वन स्टैंडिंग लाइन पहली थ्री लाइनों पे एंड मेक अ कर्व लाइक दिस. वेरी गुड, इट्स जे. ज, जे का साउंड क्या है स्टूडेंट? ज, ज, जाली. जे की, जे का स्मॉल लेटर, लास्ट वाली थ्री मींस रूट्स लाइन पे राइट वन स्टैंडिंग लाइन एंड एंड से उसको कर्व दे देना है लाइक दिस और वन डॉट. ज, जे, ज. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेटर है के. यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा लेटर सी एंड के का सेम साउंड है ख. सी ख खैट एंड के ख किक. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना के. वन स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ से इस जगह तक और इस जगह से इस जगह तक हमने लाइन लगानी है. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप और उसको ग्रास लाइन तक लेके आना है, और ग्रास लाइन से स्टार्ट करना है और उसको बॉटम लाइन तक लेके जाना है. स्टूडेंट, ये है हमारा के. इसकी स्मॉल फॉर्मेशन भी इसी तरह है, राइट वन स्टैंडिंग लाइन और ग्रास लेटर से हमने इसकी लाइंस लगानी है. यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे, यहाँ से एंड तक, और यहाँ से हमने इसकी टेल बना देनी है. सो ये हमारा लेटर है खे. खे ख किक. हमारा नेक्स्ट लेटर है स्टूडेंट एल. एल की फॉर्मेशन के लिए राइट वन स्टैंडिंग लाइन लेटर्स में एंड वन स्लीपिंग लाइन. ये क्या बन गया स्टूडेंट हमारा एल. और इसका स्मॉल लेटर लिखने के लिए राइट वन स्टैंडिंग लाइन, गो डाउन डाउन डाउन, मेक अ कर्व
लाइक दिस, दैट इज़ आवर एल, एंड एल का साउंड है लिक, वेरी गुड। इसके बाद स्टूडेंट हमारा आज का लास्ट लेटर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बट करने में बहुत ही मज़े का। राइट वन स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड राइट वन अदर स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड एंड हमने यहाँ बॉटम पे करना है। यहाँ दरमियान में हम अगर एक डॉट लगा लेंगे तो हमारी एम की फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी। हम स्टार्ट फ्रॉम द टॉप इस तरह से लाइन लेके आएंगे और इस टॉप से हम इस तरह से लाइन लेके आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एम। एंड स्टूडेंट एम बिग एम एंड स्मॉल एम, स्मॉल एम के लिए हमने ग्रास लाइन पे वन स्टैंडिंग लाइन, उसके यहाँ से टॉप से वन कर्व, गो डाउन 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 स्टॉप, फिर स्टार्ट पे जाना है, मेक अ कर्व, गो डाउन 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 एंड मेक अ स्मॉल टेल। ये है स्टूडेंट हमारे एम की फॉर्मेशन। और एम का साउंड क्या है किसी को पता है? मंकी। और इस स्टॉप से हम इस तरह से लाइन लेके आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एम। एंड स्टूडेंट एम बिग एम एंड स्मॉल एम, स्मॉल एम के लिए हमने ग्रास लाइन पे वन स्टैंडिंग लाइन, उसके यहाँ से टॉप से वन कर्व, गो डाउन 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 स्टॉप, फिर स्टार्ट पे जाना है, मेक अ कर्व, गो डाउन 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 एंड मेक अ स्मॉल टेल। ये है स्टूडेंट हमारे एम की फॉर्मेशन। और एम का साउंड क्या है किसी को पता है? मंकी। मैंगो। सो हेयर इज योर होमवर्क स्टूडेंट। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये फाइव लेटर्स अपने बुक पे, नोटबुक पे और रजिस्टर पे जहाँ भी आप राइट कर रहे हैं वैसे राइट करने हैं, उनको नीचे नीचे उनकी प्रैक्टिस करनी है टू टाइम्स। इसी तरह बड़े बच्चों के लिए भी है। इसी तरह स्टूडेंट वन लाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जे की फॉर्मेशन स्मॉल जे की लाइन से नीचे लिखनी है, बाकी सब ऊपर लिखनी है। इसी तरह से उन्होंने भी होमवर्क करना है। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको इन सब की समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना होमवर्क बहुत नीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।